कोर्ट की बेंच ने एक फैसला दिया कि दो लोगों के एक दो बार इस तरह से नारे लगा देना दो लोगों का भारत के खिलाफ नहीं माना जाएगा। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश रचता है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कौन बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री। इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। जनता वोट किसको दे ये पाकिस्तान तय करेगा क्या? नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बेंगलुरु में आयोजित की गई रैली में मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली युवती अमूल्या लियोना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अमूल्या ने 20 फरवरी दिन गुरुवार को AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की रैली में माइक लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया था। अपने मन से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने की ओवैसी ने भी निंदा की थी। ओवैसी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि वे युवती के विचारों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मेरा और ना ही मेरी पार्टी का इस युवती से कोई संबंध है। आयोजकों को उसे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुझे गुस्सा और तकलीफ इस बात का है कि कैसे कोई किसी और मुल्क की तारीफ में कोई नारे लगा सकता है, और अफसोस इस बात का है कि ये लोग जो अपने आप को बड़े लिबरल समझते हैं, बड़े अपने आप को आजाद ख्याल के समझते हैं, वो सबसे नाखलक है, सबसे ज्यादा बदतमीज है, और सबसे ज्यादा इनको संविधान के बारे में कुछ नहीं मालूम। और इन्हीं लोगों की वजह से, इनके इस बदबख्ताना हरकतों की वजह से हमारे दुश्मनों को मौका मिल जाता है हम पर उंगली उठाने का। मुल्क को आजाद होकर 70 साल का अरसा हो चुका, मगर आज भी हमको पाकिस्तान के प्रिज्म से देखा जाता है। हमारा कोई ताल्लुक कभी पाकिस्तान से ना था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम भारत के हैं और भारत के ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं वो कम से कम मुसलमानों के करीब मत आइए। हमको आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए किसी और जगह पर, जाकर हिम्मत है तो पुकारिए। ये हमारा जलसा है, ये जलसा हमारा है। हम अपने गम को दूर करने के लिए जलसा मना रहे हैं। हमको हमारे सामने हमारी बर्बादी के बादल नजर आ रहे हैं, और किसी को जेब नहीं देता कि हमारे जलसे में आकर
अपनी वाहियात और अहमकाना सोच का जिक्र यहाँ पर करें। आप जाइए किसी और जगह पर, अपनी खबर बनाइए, अपना जनाजा उठाइए, हमको शामिल मत करिए। बंगलुरु की इस रैली में 19 साल की लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो मंच पर सबको घबराहट मच गई। कोई अमूल्या लियोना को खींचने लगा तो कोई उसे माइक छीनने लगा। वो अपनी पूरी बात नहीं कर सकी। अमूल्या ने बाद में हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए। 20 फरवरी की इस घटना से पहले अमूल्या ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में अमूल्या ने कई देशों को जिंदाबाद कहा था और लिखा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, श्रीलंका जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद और भी जो देश हैं वे जिंदाबाद। आप बच्चों को सिखाते हैं कि जो देश है वो मिट्टी है। हम बच्चे बताना चाहते हैं कि देश का मतलब उस जगह में रहने वाले लोगों से होता है और उन्हें सभी जरूरी चीजें मिलनी चाहिए, बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। उन सभी को जिंदाबाद जो समाज की सेवा करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी देश को जिंदाबाद कहती हूँ उसकी नागरिक नहीं हो जाती। कानून के मुताबिक मैं भारत की नागरिक हूँ, मुझे अपने देश की इज्जत करनी चाहिए। सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो प्राइम टाइम में ऐसे नारे लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में क्या फैसला दिया था उसके बारे में बताया। 1995 में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। मामला ये था कि पंजाब के दो अधिकारियों ने खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालसा के नारे लगाए थे जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कई जगहों पर हिंसा हो रही थी। तो अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूटर के वकील ने दावा किया कि इन दोनों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक फैसला दिया कि दो लोगों के एक दो बार इस तरह से नारे लगा देना दो लोगों का भारत के खिलाफ नहीं माना जाएगा। राजद्रोह या सेक्शन 153A के तहत आरोप लगाने के लिए नारे के अलावा यह भी देखना होगा कि दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने के लिए और भी कोई गंभीर हरकत की गई है। इसके बाद बलवंत सिंह और भूपेंद्र सिंह को बरी कर दिया गया। आखिर राजद्रोह का कानून क्या है? अंग्रेजी हुकूमत के समय साल 1870 में भारतीय दंड संहिता यानी IPC में धारा 124A जोड़कर राजद्रोह को अपराध बनाया गया था। राजद्रोह कानून को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था कि IPC की धारा 124 से नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया कानून है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष समेत तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज को दबाने और आतंक कायम करने के लिए राजद्रोह कानून का जमकर दुरुपयोग किया था। आजादी के बाद भी इस कानून का दुरुपयोग बंद नहीं हुआ। सत्तारूढ़ सरकारों ने इस कानून का इस्तेमाल कर आमजन की आवाज दबाने का काम किया। IPC की धारा 124A के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या अवमानना पैदा करेगा उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसके लिए 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब राजद्रोह कानून को लेकर सवाल ये उठता है कि क्या ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में दिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5-सदस्यीय खंडपीठ ने कहा था कि सरकार के कामकाज की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। अगर किसी के भाषण या लेख से किसी तरह की हिंसा या फिर समाज में अराजकता नहीं फैलती है तो ये राजद्रोह नहीं माना जा सकता। किसी द्वारा हिंसा या अराजकता फैलाने या फिर कानून व्यवस्था खराब करने पर ही IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह का आरोपी बनाया जा सकता है। अब भाजपा ने भी इस लड़की द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर आलोचना की है। ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ये कोई साधारण मंच नहीं था, ये CAA के ऊपर मंच था। CAA के विषय में उस मंच पर बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बंधुगण, जब मंच के पीछे ये सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाता है। तो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर, एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर,
उनको झूठ बोलकर सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक के बीदर शहर में एक स्कूल में अधिकारियों ने सीएए और एनआरसी की आलोचना करने वाले एक नाटक के प्रदर्शन के बाद राजद्रोह का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इस पर मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी बिना जांच किए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। नागरिकता कानून पर शुरू हुई लड़ाई में जहरीले बोल की सरहदों को लांघती हुई अब देश विरोधी बयानों तक ये बात पहुंच चुकी है। कर्नाटक में सीएए कानून के सबसे मुखर विरोधी असदुद्दीन ओवैसी की रैली में मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली तक कोहराम मच गया। रैली में एक लड़की मंच पर आई तो अपनी बात कहने के लिए, लेकिन उसने देश विरोधी नारे शुरू कर दिए। लड़की तो पुलिस एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मंच से एक लड़की पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने लगती है, पाकिस्तान का गुणगान करने लगती है। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर वन है, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने की साजिश रचता है, वो पाकिस्तान जिससे भारत तीन तीन बार युद्ध कर चुका है। बेंगलुरु में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एक लड़की ने देश विरोधी नारे लगाए, लेकिन ओवैसी ने उस लड़की को रोका और कहा कि देश विरोधी नारे नहीं लगाए जा सकते। दो तस्वीरें आपके सामने, उस लड़की के बयान से किनारा किया असदुद्दीन ओवैसी ने। अगर देखा जाए तो भड़काऊ नारे लगाना या भड़काऊ भाषण देना दोनों ही गलत है, पर जब भाजपा के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं तब उन पर देशद्रोह का कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता, ना ही उन पर कभी कोई कार्रवाई होती है। जब तक घर में आग नहीं लगेगी मेरा घर खत्म नहीं हो जाएगा, मेरी हिंदू बेटी को कोई मुसलमान नहीं उठा के लेके जाएगा, तब तक हिंदू जागता नहीं है, ये हमारे में कमी है। इसलिए एक हो जाओ, आज भी चेता रहा हूं, इसमें कोई मेरा संजय सिंह का नुकसान नहीं होगा, ये सभी का नुकसान होगा, पूरी दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। एक हो जाओगे तो 11 तारीख को जब कमल की सरकार बन जाएगी, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर एक आदमी आपको दिखाई देगा, एक आदमी दिखाई नहीं देगा। ये सारी मस्जिदें जितनी इन्होंने सरकारी जमीन पर घेर के बना रखी है। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कौन बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री। यानी अब दिल्ली की जनता पर उसे विश्वास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। क्या भारत के अंदर जनता वोट किसको दे, ये पाकिस्तान तय करेगा क्या? क्या पाकिस्तान हमारा हितैषी है क्या? जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा क्या हमें वह कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की प्रगति से खुश होगा? लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं? ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई इंसान सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसे एक पल में देशद्रोही बता दिया जाता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें राजद्रोह जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश एक आजाद देश है, लेकिन जैसे हर बात पर देशद्रोह या राजद्रोह का कानून लगाया जाने लग गया है, ऐसा लग रहा है कि देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।